Hello everyone. So today we are going to discuss our new topic recurrence relations. Definition देखते हैं इसकी. An equation that expresses an in terms of one or more of the previous terms of the sequence is called recurrence relations. वो कहता है हमारे पास कोई numeric function है an. उसको हम उसी की प्रीवियस टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें उसको क्या कहेंगे रिकरेंस रिलेशंस. एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस. हमें पता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 देन 1+1 2 2+1 3 3+2 5 5+3 8 एंड सो ऑन. अब मैं इसकी एनर टर्म लिखने की कोशिश करते हैं. एन टर्म होगी ए एन. ए एन को हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू. मतलब ए एन क्या हुआ हमारा सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स. अब देखो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू टू. बिकॉज अगर हम एन की वैल्यू टू से कम पुट करें यहां तो हमारे पास आएंगे नेगेटिव के नंबर्स विच डज नॉट मेक एनी सेंस. ऑलराइट अब देखो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी कोई भी वैल्यू. ठीक है जैसे हमारे पास है ए ऑफ थ्री. ए ऑफ थ्री कैलकुलेट करते हैं. ए ऑफ थ्री को इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे ए ऑफ टू प्लस ए ऑफ वन. पर हमारे पास ना ए टू की वैल्यू पता है ना ए वन की. तो ए टू को हम फिर से इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ए टू को हम क्या लिखेंगे ए वन प्लस ए नॉट. अब ध्यान से देखो जो ए वन है और ए नॉट है इसको मैं वापस इनके फॉर्म में नहीं लिख सकता क्योंकि अगेन हमारे पास क्या आ जाएंगे वही नेगेटिव के सीक्वेंस विच डज नॉट मेक एनी सेंस. तो हमें ए टू को तो रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए हमें ए वन और ए नॉट की वैल्यू चाहिए जिसे हम कहेंगे इनिशियल कंडीशंस. तो इनिशियली हम क्या लेंगे इनिशियली वी टेक ए नॉट इज इक्वल टू वन एंड ए वन इज इक्वल टू वन. तो इन्हें हम कहेंगे इनिशियल वैल्यूज कंडीशंस. तो हमारे पास डेफिनेशन में टर्म ऐड हो जाएगी विद सम इनिशियल कंडीशंस. तो देखो हमने फिबोनाची सीक्वेंस को एक रेकरेंस रिलेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. कैसे हमने ए एन को लिख लिया ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू विच इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म्स. और हमने कुछ इनिशियल कंडीशंस दे दी ए नॉट इज इक्वल टू वन एंड ए वन इज इक्वल टू वन. दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेकरेंस रिलेशंस. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन. अब हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रेकरेंस रिलेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. देखो इसकी nth टर्म an को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 इंटू ए ऑफ n माइनस 1 विथ सम इनिशियल कंडीशन a नॉट इज इक्वल टू 3. तो ये रेकरेंस रिलेशन वाली बात को सेटिस्फाई कर गया. अब देखो वो हमसे पूछ ले फाइंड करो ए ऑफ 2 to 7. हम क्या कहेंगे इसमें पुट कर देंगे ए ऑफ 2 to 7 किसके इक्वल होगा 3 इंटू ए ऑफ 2 to 6. और ए ऑफ 2 to 6 के लिए हमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा 3 इंटू 3 ऑफ ए ऑफ 2 to 5. अब ऐसे कब तक करते चले जाएंगे इट डज नॉट मेक एनी सेंस. अब देखो मैं इसी सीक्वेंस को एक अनदर वे में लिखते हूं. जैसे हमारे पास है ए एन. ए एन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 इंटू 3 raised to power एन. एन को 0 पुट करो हमारे पास आंसर आएगा 3. एन को 1 पुट करो 3 3 9. मतलब ए एन को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ठीक है इसको हम कहेंगे क्लोज्ड
form of a numeric function or a recurrence relation. Next हमारे पास है linear recurrence relation with constant coefficients, which is defined as C naught AR plus C1 AR minus 1 plus C2 AR minus 2 plus so on CK AR minus K is equal to F of R, मतलब सब function of R, where CIs क्या होंगे हमारे सभी constants. अब देखो अगर FR की value हमारे पास हो जाए 0, मतलब इस equation की right side हो जाए हमारे पास 0, then इस equation क्या कहेंगे हम homogeneous equation. Otherwise, if FR की value कोई some function of R है, जैसे R square हो गया या R square plus 1 कुछ भी हो, तो इसे क्या कहेंगे हम non-homogeneous equation. Next हम बात करेंगे order of a recurrence relation. Order क्या होगा हमारा, it is difference between highest and lowest subscript of numeric functions. जैसे हमारे पास ये equation है, इसका order क्या होगा, इसका highest subscript देखो ये रहा AR और इसका सबसे lowest वाला कौन सा है R minus K, तो इसका order क्या हो गया हमारा highest minus lowest, तो R minus R plus K is equal to K, तो इस equation का हमारा order आ गया K. Example देखते हैं अब इसकी, जैसे हमारे पास given है AR plus 2 of AR minus 1 is equal to R square, इसका order क्या होगा R minus R minus 1, तो हमारे पास आ जाएगा order 1. अब देखो इस equation के right side में है R square, तो ये equation कौन सी होगी, it is an non-homogeneous equation. Otherwise, अगर यहाँ पर होता 0, तो ये equation कौन सी होती, homogeneous equation. एक और example देखते हैं, हमारे पास है A of R plus 3 A of R minus 2 is equal to 0, इसका order क्या होगा, same वही, इसका order क्या होगा, difference is equal to 2. Next topic है हमारा methods of solving a recurrence relation. Solving word का मतलब है हमारे पास कोई भी एक recurrence relation given होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसकी closed form में express कर देंगे, वो क्या होगा हमारा solution of a recurrence relation. अब इसके तीन methods हैं, first है iteration method, second है characteristic root method, third है by using generating functions. इन तीनों मेथड्स को हम वन बाय वन हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे.